सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का दौरा है। हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ करेंगे सीएम और गोरक्षनाथ मंदिर में पूजा अर्चना उन्होंने की है सुबह सवेरे, और उसके बाद मुख्यमंत्री आज झंडा लगाकर शुभारंभ करने वाले हैं। तो इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री की ओर से किया जाएगा। थोड़ी देर में कार्यक्रम की शुरुआत होगी गोरक्षनाथ मंदिर में। सबसे पहले सुबह सवेरे मुख्यमंत्री ने पूजा अर्चना की है, हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो सीएम योगी का गोरखपुर का दौरा। रामगोपाल द्विवेदी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, चलिए सीधा रुख करते हैं। रामगोपाल, कितनी देर में यह कार्यक्रम शुरू होगा, हर घर तिरंगा अभियान के तहत शुभारंभ किया जाना है, इस पूरे कार्यक्रम का कब तक शुरुआत होगी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस वक्त अपने घर पे जो है तिरंगा वो फहरा चुके हैं, और आप देखिए कि तस्वीरों में इस वक्त वो अपने घर पे जो उनका आवास है वहाँ पे उन्होंने अब इस अभियान का शुभारंभ कर दिया गया है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत इस कार्यक्रम का शुभारंभ पूरे देश में ये चल रहा है, तो उसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस वक्त जो है अपने घर पे अपने आवास पे ये तिरंगा फहरा रहे हैं। और इस तिरंगा फहराने के बाद अभी एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तिरंगे के साथ सेल्फी भी लेंगे, सेल्फी स्टिक भी वहां पे मौजूद है। और इस पूरे कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ जो है गोरखपुर के जो मेयर हैं, मेयर मौजूद हैं, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह मौजूद हैं, गोरखपुर ग्रामीण के जो विधायक हैं वो मौजूद हैं, और साथ ही संगठन में महानगर अध्यक्ष मौजूद हैं, वाराणसी से आए सतुआ बाबा मौजूद हैं, और कुछ मंदिर के कार्यकर्ता हैं। तो आप देखिए तस्वीरों में इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा फहरा दिया है, और अब जो है वो वहाँ पे मौजूद हैं, और अब वहाँ पे वो देख रहे हैं कि किस तरीके से काम चल रहा है। साथ ही जो तिरंगे का झंडा है उस झंडे को ऊँचा करने के लिए जो है उस पर एक नई डंडी जोड़ी गई, तो उस डंडी को फिर उन्होंने जोड़ के अभी ऊपर पहुँचा दिया है। तो अब आज आधिकारिक रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम का आधिकारिक रूप से शुभारंभ कर दिया है, और अब कुछ देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पे जो है तिरंगे के साथ सेल्फी लेंगे। और चूंकि इसका मकसद यह है कि हर व्यक्ति जो देश में है, प्रदेश में है, हर व्यक्ति के मन में तिरंगे के प्रति सम्मान बढ़े, और आज़ादी कितनी मुश्किलों से हमें मिली है उसके बारे में वो जाने, और आज़ादी का अमृत महोत्सव शायद इसीलिए मनाया जा रहा है कि आज़ादी के बारे में लोग जानें, आज़ादी के भाव को समझें। तो उन्हीं कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां से जो है आज अपने आवास से तिरंगा फहराया है, और तिरंगा फहराने के बाद अब जो है यहां से कुछ देर बाद वो निकलेंगे, अभी पहले सबसे पहले वो सेल्फी लेंगे। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री ने ये जो निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में जितने भी घर हैं उन सारे घरों पर तिरंगा फहराया जाना चाहिए, और इसके लिए बाकायदा उन्होंने जो जिलाधिकारी हैं, 75 जिलों के जिलाधिकारी हैं, उसके बाद प्रमुख सचिव लेवल, मुख्य सचिव लेवल, ये सारे अधिकारी पिछले कई दिनों से लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि हर घर तिरंगा कैसे पहुंचाया जाए। जिलों में की स्थिति यह है कि जिले में हर ब्लॉक स्तर और ब्लॉक स्तर से भी छोटे स्तर पर, मतलब एक जोनल बना के छोटे छोटे उसमें, अब देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त जो है यहाँ पे अब मुस्कुरा रहे हैं, तिरंगा फहराने के बाद अब वो मुस्कुरा रहे हैं, और अब वो सेल्फी लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब वो सेल्फी लेंगे, अब देखिए कि इस वक्त मुख्यमंत्री अब तिरंगे के साथ अब सेल्फी ले रहे हैं, और अब आप देखिए कि किस तरह उनको बताया गया कि सेल्फी स्टिक के साथ कैसे तिरंगे से सेल्फी लेना है, और अब मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त तिरंगे के साथ सेल्फी लेते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक तरीके से ये जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम अब आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है, और इस वक्त मुख्यमंत्री यहां से जो है अब खुद तिरंगे के साथ सेल्फी ले रहे हैं, और ये उन्होंने प्रेरित किया है क्योंकि आज का जो युग है, आज लगभग हाथों में स्मार्टफोन है महाराज जी। तो अब देखिए, अब जो अब इधर मीडिया की तरफ ही मुखातिब होंगे, अभी थोड़ी देर इधर भी देखेंगे, तो चूँकि बात हो रही थी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो खुद बहुत टेक्नो प्रेमी हैं, और उनकी ये कोशिश रहती है कि जो है टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, तो उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे कर रहे हैं, और इसी कारण वो जो है इस वक्त वो सेल्फी ले रहे हैं इस वक्त। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है यहाँ पे चल रहा है, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार जो है यहाँ पे सेल्फी ले रहा है। आप देखिए कि किस तरीके से अभी जो है कि वो अभी उस साइड में अभी
ये देखिए, ये मुस्कुराते हुए इधर से जो है अब मुस्कुराते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे अब सेल्फी लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें कितनी सुखद हैं और ये जो है क्षण कितना सुखद है कि आज से ही पूरे देश में एक तरीके से तिरंगा अभियान है और तिरंगा अभियान का शुभारंभ यहाँ पे हो गया है। हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हो गया है। अब एक तरीके से कुछ लोग हैं उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक फोटोशूट भी है। तो अब उसमें जो है गोरखपुर महानगर के जो महानगर अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, साथ ही जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष थे धर्मेंद्र सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष, वो मौजूद हैं और अन्य लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो वो उनके साथ एक ग्रुप सेल्फी अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेने जा रहे हैं और किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज वो यहाँ पे कर रहे हैं ये भी यहाँ पे साफ दिखाई पड़ रहा है। तो अभी इस वक्त जो है उनके साथ कुछ साधु संत भी हैं जो अयोध्या से आए हुए हैं, वो भी मौजूद हैं। क्योंकि हर घर तिरंगा अभियान की जो शुरुआत है वो प्रदेश इन मुख्यमंत्री की कोशिश है कि प्रदेश के हर घर पे ये तिरंगा फहराया जाए और इसके लिए बाकायदा अधिकारियों की टीम लगाई गई है। अधिकारियों ने अपने जिलों में उसको ब्लॉक स्तर पे भी उन्होंने उसको जोन स्तर पे बांट रखा है और उस पर जिला स्तरीय अधिकारी की ड्यूटी लगाई गई है। वो बाकायदा मॉनिटरिंग कर रहा है कि हर घर तिरंगा अभियान जो अभियान चल रहा है वो कितना सफल हुआ और कितना घरों तक पहुंचा है। तो ये पूरी कोशिश आप ये समझे कि हर जगह पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि वो जो तिरंगा है पहुंच जाए, उसके लिए जो सेक्रेटरी गांवों में सेक्रेटरी की जो तैनाती होती है उनकी ये जिम्मेदारी तय की गई है कि हर घर पर तिरंगा पहुंचे। सेक्रेटरी किस तरीके से काम कर रहा है उसको जानने के लिए जिला स्तरीय EDO पंचायत वहाँ पे है, EDO पंचायत को एक जिला स्तरीय अधिकारी को लगाया गया है। तो यानी कि ये एक जो फूल प्रूफ सिस्टम है उस फूल प्रूफ सिस्टम के तहत जो है हर घर पे तिरंगा लहराने का लक्ष्य रखा गया है और उसी लक्ष्य का शुभारंभ पाने के लिए आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसका शुभारंभ किया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त अभी आप देखेंगे हैं कि वो तो यहाँ मौजूद हैं और अभी वो लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, ग्रुपी सेल्फी ले रहे हैं। तो इस वक्त उनका फोटो वहाँ पे फोटो चल रहा है, फोटो सेशन का कार्यक्रम चल रहा है। और चूंकि तिरंगे के साथ किसी को भी सेल्फी लेने का एक गर्व की अनुभूति होती है, गर्व की बात होती है, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसी गर्व की अनुभूति कर रहे हैं। तो इस वक्त अब देखिए ये देखिए कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तिरंगे को पकड़े हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जब हम लोगों ने इनको बुलाया तो वो खुद आ गए, अब हाथ लाके लोगों का अभिवादन किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब हर घर तिरंगा अभियान का यहाँ से शुभारंभ कर दिया है। इसके बाद अब हर घर तिरंगा अभियान की शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ से जो है गोरखपुर के NXC भवन जाएंगे। गोरखपुर NXC भवन में फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ पे जो इंसेफ्लाइटिस और संचारी रोग को लेकर एक बड़ी बैठक है उसको लेकर वो वहाँ बैठक करेंगे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है गोरखपुर मंडल के अन्य जिले उससे जुड़ेंगे। चूंकि गोरखपुर के जो अधिकारी हैं, गोरखपुर के जो डॉक्टर हैं वो तो यहीं पे मुख्यमंत्री के साथ ही मौजूद रहेंगे, लेकिन उसके बाद जो अन्य लोग हैं, अन्य जनपद के हैं, चाहे वो बस्ती मंडल के तीनों जिले हों, बस्ती सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर या फिर देवरिया कुशीनगर और महाराजगंज, इन जिलों के अधिकारी और डॉक्टर्स और CMO जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। उसके बाद फिर मुख्यमंत्री जाएंगे यूपी के सबसे बड़े गोरखपुर के सबसे बड़े लॉजिस्टिक जो है वेयर हाउस का उद्घाटन भी करेंगे। तो इस तरीके से आज का मुख्यमंत्री का जो शेड्यूल है वो बेहद टाइट नजर आ रहा है। जी ठीक है, तस्वीरें दिखाई हमारे सहयोगी रामगोपाल द्विवेदी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे और CM योगी की तरफ से अभियान की शुरुआत कर दी गई है और ये देखा आपने किस तरह से तिरंगा फहराया और इस अभियान का आगाज कर दिया है, शुभारंभ कर दिया है और तिरंगे के साथ सेल्फी भी ली है। बहुत शुक्रिया आपका रामगोपाल द्विवेदी।